तो आज अपने राजस्थान प्री पीजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आपको पता है राजस्थान प्री पीजी में 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो उसमें से जो 50 क्वेश्चन है वो अपने पार्ट वन में सॉल्व करेंगे, जो बचे हुए 50 क्वेश्चन वो सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है टी आर एन ए यूजफुल फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ सेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉसेस आर मेड व्हेन फोर इनब्रीड लाइंस आर इन्वॉल्व्ड इन थ्री वे क्रॉसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन द ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000। क्वेश्चन नंबर फोर है इन इंडिया एज पर चैंपियन एंड सेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट कोस्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव है रिंगिंग इज ए टाइप ऑफ, तो रिंगिंग टाइप है प्रूनिंग का। क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड जिंक। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन है एज पर BCFT टर्मिनोलॉजी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विच प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर एट है ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड स्केल्स ऑफ ऑनियन आर रेसिस्टेंट टू कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैटेकोल एंड प्रोटोकैटेचुक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल एक्शन नोजल प्रोवाइड्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्प्रे पैटर्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोकॉन प्लस सॉलिड कॉन प्लस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जोन ऑफ क्लासिकल प्रोडक्शन कर्व मैक्सिमम MPP इज फाउंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस इन द कंट्री इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NIESBOD। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज द ऑर्गेनिक मैंगनीज फर्टिलाइजर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज लिग्नो सल्फोनेट। क्वेश्चन नंबर 14 है द जुवेनाइल हॉर्मोन इज सेक्रेटेड बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज फॉर्म्ड इन एमाइनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RNS2। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इसका आंसर होगा कैल्शियम बोरॉन एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ डिमांड कर्व इज इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है लार्वी ऑफ पिंक बॉलवर्म ओवर विंटर इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी। क्वेश्चन नंबर 20 है इज द मोस्ट इफेक्टिव वीड कंट्रोल मेजर ऑफ क्रॉप एसोसिएटेड एंड क्रॉप बाउंड वीड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है द इंसेक्टिसाइड फ्लूपेंडामाइड एंड क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल बिलोंग्स टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइमाइड ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक वॉज डेवलप्ड फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है बंची टॉप ऑफ बनाना ए वायरल डिजीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंटरक्लच इंटरवल एक्सीड्स 7 और मोर डेज इट इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉज। क्वेश्चन नंबर 25 है एगेरिक हैज बी स्पोरस इज कॉमनली नोन एज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बटन मशरूम। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरी सिल्कवॉर्म इज रियर्ड ऑन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्टर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच काइंड ऑफ
chromosomal aberration among the following leads to formation of dicentric bridges at anaphase. Is the answer of option number D, inversion. Question number 29, a single superphosphate is produced by the reaction of rock phosphate with. Is the answer of option number C, H2SO4, sulfuric acid. Question number 30, which chemical is used in bud opening of cut flowers after harvest? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज. क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट रूट पैरासाइट? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरोबैंकी स्पीसीज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एफएओ रिकमेंडेशन डायमीटर एट ब्रिस्ट हाइट इज मेजर्ड एट फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.30 मीटर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओनली वन इरीगेशन इज अवेलेबल देन द वीट क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट विच स्टेज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआरए स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन. क्वेश्चन नंबर 34 है, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम. क्वेश्चन नंबर 35 है, क्लाइमेटिस मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी इज एडवोकेटेड फॉर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षीनिया स्ट्राइफॉर्मिस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, येलो रस्ट. क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी परसेंट ऑफ मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी ऑफ फाउंडेशन सीड्स इज रिक्वायर्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 99%. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल रेगुलेट्स द हेक्सोज फॉस्फेट पुल इन लाइट? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 39 है, नेट वर्थ इज इक्वल टू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. फिर क्वेश्चन नंबर 48 इज आल्सो नोन एज सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम. तो अपने एटिक को कहते हैं सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 41 है, द टाइप ऑफ पैरासिटिज्म वेयर द होस्ट इज अटैक्ड बाय टू और मोर स्पीसीज ऑफ पैरासिटॉइड्स इज कॉल्ड? इसका आंसर होगा मल्टी पैरासिटिज्म. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडिंग ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट और स्टैंड इंक्लूड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थिनिंग. क्वेश्चन नंबर 43 है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी इज लोकेटेड एट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर, जो 1959 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था. क्वेश्चन 44 है, साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग पास्ट क्लाइमेट फ्रॉम ट्री रिंग्स इज कॉल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी. फिर क्वेश्चन नंबर 45, इन कलर व्हील ब्लू कलर कम्स अपोजिट टू विच कलर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज. क्वेश्चन नंबर 46 है, साल्ट इंडेक्स ऑफ इरीगेशन वाटर इज पॉजिटिव, इट इंडिकेट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर इज हार्मफुल फॉर इरीगेशन. क्वेश्चन नंबर 47 है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू एग्रीकल्चरल जीडीपी इज? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 26.40%. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनसीड. फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिकल. लास्ट क्वेश्चन है, प्लांट फिनोलिक्स आर सिंथेसाइज्ड बाय? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकेमिक एसिड पाथवे. तो ये 50 क्वेश्चन हो गए अपने, बचे हुए 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग.